दोस्तों आज मैं आपको बता रही हूँ मात्र 3 ऐसे इजी इफेक्टिव चुनिंदा रामबाण योगासनों का अभ्यास जिनकी मदद से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, किडनी की सेहत अच्छी होगी, लिवर का फंक्शन अच्छा होगा, साथ ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमेशा स्वस्थ रहेगी। सेक्सुअल डिसऑर्डर है उनमें भी बहुत काम आएगा। तो डाइजेशन इम्प्रूव होगा यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या, यूटीआई इन्फेक्शन, आपका लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीरियड्स का इररेगुलर होना, ये सारी समस्याओं में आज ये 3 योगासन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अच्छी तरीके से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, लाभ तो जान गए लेकिन सावधानियां भी जानना जरूरी है। लेडीज, अगर आपको पीरियड्स है, पीरियड्स के दौरान इन आसनों का अभ्यास ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान तो इन आसनों का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, कोई रिसेंट कोई सर्जरी हुई है पेट में, तब ना करें। अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है, फिर भी इन योगासनों का अभ्यास नहीं करना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए, और इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहला योगासन जो है उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, या इंग्लिश में इसे कहते हैं सीटेड फॉरवर्ड बेंड। किस तरीके से अभ्यास करेंगे? आराम से दोनों पैरों को अपने शरीर के सामने ऐसे स्ट्रेच करके बैठ जाएं। दोनों पैरों की एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, पैर के बड़े अंगूठे को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, दोनों हाथों को छत की तरफ खींचेंगे और सांस लेंगे। इस तरीके से सांस लेंगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी एब्डोमिनल मसल्स को अंदर की तरफ खींचेंगे। ध्यान नाभि पर रखते हुए दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ खींचते हुए, पेट अंदर की तरफ खींच गया है, छाती जांघ की तरफ, चेस्ट थाई की तरफ आपकी जा रही है, और दोनों पैरों के बड़े अंगूठे को देखें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपने हेड को अपने घुटने की तरफ, अपने माथे को अपने घुटने की तरफ ड्रॉप करके 5 सेकंड रोकें। 1, 2, 3, 4, 5। अब सांस लेते हुए धीरे 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 वापस आ गए। अब देखा आपने, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए, झुक जाएंगे। अब बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि ऐसे सामने झुक के अपने पैर के बड़े अंगूठे को नहीं पकड़ पाएंगे। तो आप सिर्फ काम क्या कीजिए, टारगेट क्या है कि एब्डोमिनल मसल्स पर हल्का दबाव आए, टारगेट क्या है कि आपकी पूरी की पूरी हैमस्ट्रिंग्स मसल्स पर इसका खिंचाव आए और लोअर बैक पर खिंचाव आए। तो इसके लिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अगर इतना भी आगे झुक गए और पेट पर दबाव आ रहा है तो इस पोस्चर को यहीं पर रोक दें। ऐसे दोनों हाथों को या तो घुटने तक पहुंच पाए, घुटने तक रखें, थोड़ा और नीचे जा सकते हैं जहां तक, और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी वैसे वैसे पोस्चर को होल्ड कीजिए। सामने देखिए, सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहिए और फिर उसके बाद रिलीज कर दें। अब ये तो हुआ, सांस लेंगे और सांस लेने के बाद छोड़ते हुए पोस्चर में जाएंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इस अभ्यास को कम से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड इस पोस्चर को रोक के रखें मिनिमम, अगर ज़्यादा रोक सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तब सांसों की स्थिति कैसी होगी, देखिए, सांस लेंगे गहरी लंबी, दोनों हाथों को छत की तरफ खींचा, सामने देखा, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ खींचते हुए जिससे स्पाइनल कॉर्ड पूरी खींची हुई है, लोअर बैक पर अच्छा खिंचाव आ रहा है, ऐसे खींचते हुए दोनों पैर के बड़े अंगूठे को इस तरीके से पकड़ लिया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने चेस्ट को, अपने माथे को घुटने की तरफ ड्रॉप करेंगे और नॉर्मल सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे 30 सेकेंड तक। अपनी सुविधा का विशेष ध्यान रखें, जब तक आप कंफर्टेबल महसूस करें तभी तक आसन को रोक करके रखें, सांसें नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें। अब सांस लेते हुए धीरे 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 पोस्चर को रिलीज कर दें, दोनों पाम्स को बॉडी के पीछे रखें, दोनों पैरों के बीच में फासला कर लें और सर को ढीला छोड़ दें।
दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। देखिए, अगर आप जूम क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो ये क्लासेस सुबह 7 बजे या शाम के 7 बजे होती है, जिसमें आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ और मेरी निगरानी में रह के आप योग का अभ्यास करते हैं। आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन यानी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हो, चाहे डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी की समस्या हो, आपको ब्लड प्रेशर घट जाता है, बढ़ जाता है, माइग्रेन की समस्या, आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, नी पेन है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर आप सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे जो जूम क्लासेस होती हैं उनको नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए योगा कोर्सेज, जो कि सीक्वेंस इतने यूनिक है कि ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने बहुत यूनिक सीक्वेंसेस इस तरीके से डेवलप किया है कि बिगनर्स इसको आसानी से कर लें और ये 100% बिगनर फ्रेंडली है। आपको करना है क्या है कि नीचे जो ये वेबसाइट मैंने शेयर की हुई है, या तो इस वेबसाइट में जाके विजिट कर लीजिए या कि आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर, ताकि आपको मेरी टीम के द्वारा सारी की सारी डिटेल आपको भेज दी जाए। अब अगला अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है जानु शीर्षासन। इसका अभ्यास कैसे करेंगे, देखिए इसका अभ्यास भी बड़ा आसान है। दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ गए। सांसों की स्थिति का ध्यान रखना इज रियली इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अपने दाहिने पैर को पहले ऐसे घुटने से मोड़ा और दाहिने पैर के पंजे को, राइट फुट को लेफ्ट थाई के पास, इनर थाइस के पास ऐसे लेके आ गए, एड़ी पेल्विक रीजन की तरफ, बड़ा अंगूठा पैर की तरफ ऐसे, और नाइस एंड स्ट्रॉन्ग सीधी रख के कमर, ऐसे झुक के कभी भी नहीं बैठना है, नाइस एंड स्ट्रॉन्ग सामने देखे। अब गहरी लंबी सांस लें, जैसे जानु शीर्षासन, जैसे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया था वैसे ही जानु शीर्षासन का अभ्यास, सामने की तरफ झुकेंगे। सांस लिया, अभी हम सिर्फ 5 सेकेंड तक पॉस्चर को रोक रहे हैं। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचे हल्का सा, ध्यान नाभि की तरफ रखें, लोअर बैक पर पड़ने वाला खिंचाव महसूस करें और पूरी की पूरी हैमस्ट्रिंग्स पर खिंचाव महसूस करें। पैर के बड़े सारे पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लें, अगर नहीं पकड़ सकते तो वेरिएशन के लिए रुकें, हेड को ड्रॉप कर दें। 5 4 3 2 1 सांस लेते हुए धीरे 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 हेड अप करें और सांस छोड़ते हुए दोनों पाम्स को बॉडी के पीछे रख लें। 5 सेकेंड तक होल्ड किया, कैसे सांस लिया और सांस छोड़ते हुए पॉस्चर में गए, फिर सांस लेते हुए वापस। अब इस पॉस्चर को अगर आप 10 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रोकें तो ये बहुत अच्छी बात है, और सांसों को नॉर्मल लेते और छोड़ते रहेंगे। कैसे अभ्यास करें, और ये भी समझ लें कि जो बिगनर्स हैं वो कैसे अभ्यास करेंगे। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अगर ऐसे धीरे 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 धीरे, अगर हाथ यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक होल्ड करें और पेट को अंदर की तरफ खींचना ज़रूरी है, हल्का सा नेवल रीजन पर ध्यान बना के रखें ऐसे, और जितना हो सके सामने झुक जाएं। अब इस पॉस्चर को जब 10 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1 मिनट रोकेंगे तो कैसे अभ्यास करेंगे। सांस लिया, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे हाथ को आगे की तरफ खींचिएगा, ऐसे खींचते हुए खींचते हुए खींचते हुए दोनों पैर के पंजों को पकड़ लिया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन। अभ्यास कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट रोकें। कभी भी जब आसन में रुकें तो ज़्यादा खींचतान ना करें। जहाँ तक सुविधा के साथ आप अपने शरीर को रोक सकते हैं, उस पॉस्चर को, आसन को रोक सकते हैं, सिर्फ वहीं तक रुकें। सांस लेते हुए धीरे 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 हेड अप। अब हमने राइट पैर को मोड़ के अभ्यास कर लिया, अब इसी अभ्यास को हम लेफ्ट पैर की तरफ से करेंगे। अब लेफ्ट पैर को आराम से घुटने से मोड़ लिया, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट थाई के पास रखा ऐसे, दूसरी तरफ से देखें ऐसे ऐसे आराम से अंदर की तरफ। सांस ले लें, 5 सेकेंड का अभ्यास पहले। सांस लिया, सांस छोड़ते हुए सामने झुक गए धीरे 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 ऐसे, सामने हाथ को खींचते हुए और चेस्ट को थाई की तरफ, हेड को नी की तरफ। 1 2 3 4 5 अब फिर से सांस लेते हुए धीरे 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 ऐसे उठे और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख दें। अब इसी अभ्यास को दूसरे राउंड जब कर रहे हैं, 30 सेकेंड या 1 मिनट तक पॉस्चर को जरूर रोक के रखें, ज़्यादा देर तक रोकें, सांसों को नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें। सांस लें
और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आगे झुक जाएं, जितना झुक सकते हैं उतना। अगर आप पैर के पंजे को नहीं पकड़ पाते तो जहां तक होल्ड कर सकते हैं वहां तक रुके। सांस लें और सांस छोड़ते हुए सांसें नॉर्मल लें। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि सही योगासन वही है जिसमें स्थिरता हो, जिसमें सुख हो। और स्थिरता और सुख तभी आएगा जब आप आसनों को आसानी से कर रहे हैं, बहुत खींच तान करके अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख दें और रेस्ट करें। हर एक आसन के अभ्यास के बाद रेस्ट करना इज रियली इम्पॉर्टेंट। दोनों पैरों के बीच में फासला किया, अपने सर को ढीला छोड़ दिया, इस तरीके से रेस्ट करें। अब यह हमने अभ्यास कर लिया पश्चिमोत्तानासन का और सीटेड फॉरवर्ड बेंड का, फिर उसके बाद जानु शीर्षासन का अभ्यास कर लिया। अब अभ्यास कर रहे हैं वक्रासन का। अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लें। अब अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ें, राइट पैर के पंजे को लेफ्ट घुटने के पास रखें ऐसे। अब अपने राइट पैर को मोड़ा हुआ है, राइट हाथ को ही बॉडी के पीछे रखें। अब अपने लेफ्ट हाथ को यानी लेफ्ट पाम को सीलिंग की तरफ ऐसे, लेफ्ट हाथ को खींचना ऐसे ही कि ढीला छोड़ देना, ऐसे खींचना खींचना है। और फिर उसके बाद राइट एल्बो को हल्का सा बेंड करके पीछे थोड़ा सा झुक जाएं और हल्का सा आराम से ऐसे कमर को घुमाते हुए ट्विस्ट करते हुए राइट पैर की एड़ी को पकड़ लिया और चेहरे को घुमा दिया राइट कंधे की तरफ और सांस छोड़ते हुए ऐसे सांस ले लें और पोस्चर को रिलीज कर दें। अब बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इस पोस्चर को करते हुए एंकल को पकड़ पाए, तो क्या करेंगे, बाएं हाथ से अपने दाहिने घुटने को यानी लेफ्ट पाम राइट नी पुल करें अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ एंड देन स्लोली स्लोली लुक बैक ऐसे सांस छोड़ते हुए रोके। 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से। और फिर इसके बाद पैरों को रिलीज कर दें और थोड़ा सा रेस्ट करें। हर एक पोस्चर के बाद देखिए रेस्ट जरूर कीजिए और दौड़ भाग के अभ्यास मत कीजिए, आराम आराम करके। अब इस पोस्चर को हम कम से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रोकेंगे। उस समय सांसों की स्थिति क्या होगी, अब अपने उसी तरीके से किया, राइट पैर को मोड़ा, लेफ्ट घुटने के पास अपने राइट पैर को रखा, राइट हाथ को बॉडी के पीछे रखा, सांस लिया, हाथ को सीलिंग की तरफ खींचे, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अपने एंकल को पकड़ लिया और चेहरे को राइट शोल्डर की तरफ घुमा दिया। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद करते रहें। या तो फिर अगर एंकल को नहीं पकड़ सकते तो इस तरीके से राइट घुटने को ऐसे खींचे, ब्रीद करते रहें। अब अपने राइट पैर को छोड़ दें। अब इसी तरीके से अभ्यास हम लेफ्ट साइड करेंगे, लेफ्ट साइड भी इसी तरीके से 5 सेकेंड। सांसों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ा, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट घुटने के पास रखा, लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रखा, गहरी लंबी सांस ली, राइट हाथ को छत की तरफ खींचा और धीरे से पीछे की तरफ झुकते हुए कमर को पूरा का पूरा ट्विस्ट कर दें। यही मदद करेगा आपके स्पाइनल डिसऑर्डर को सही करने में। पीछे देखें, सांसें रोका हुआ है, 5, 4, 3, 2, 1। अब अगर ऐसे ना पकड़ पाए तो आराम से अपने लेफ्ट घुटने को पकड़ा और इसको राइट शोल्डर की तरफ खींचे, होल्ड करें, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसी तरीके से फिर रेस्ट करें, दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लिया, रेस्ट करें। अब जब इस पोस्चर को इस तरीके से कर लिया है, अब जरा 30 सेकेंड तक इसी पोस्चर को हम अभ्यास करते हैं। लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रखा, राइट हाथ को छत की तरफ खींचा, सांस छोड़ते हुए अपनी
लेफ्ट एंकल को पकड़ लिया, राइट पाम से पीछे देखें, सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर इस तरीके से नहीं पकड़ पा रहे हैं, खींचे घुटने को दूसरे शोल्डर की तरफ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। अब अभ्यास करने के बाद आराम से शवासन में जरूर लेट जाएं। इस तरीके से शवासन में जब लेटे तो दोनों पैरों के बीच में ऐसे फासला करें, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख दें, आराम से ब्रीद करें। हमेशा जब भी आप अपने योग का अभ्यास कर लें तो उसके बाद शवासन में लेटना ना भूलें, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से मैंने बताया ना, आई एम श्योर कि अब इस वीडियो की मदद से आप आसानी से इन 3 योग आसनों का अभ्यास कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आई एम श्योर कि जाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा। अपना बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।